सेक्स रोग सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। हमारा जो हॉस्पिटल है यहाँ हम मानसिक रुग्णों को रखते हैं। एक हॉस्पिटल में मानसिक रुग्ण रिश्तेदारों के साथ में रहकर इलाज करता है और दूसरा जो हॉस्पिटल है वहां मानसिक रुग्णों को हम बिना रिश्तेदार भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। और वो हॉस्पिटल में हम शराबी लोगों का भी इलाज करते हैं, जिनको व्यसन है शराब का, उनका भी इलाज करते हैं। आज मैं डिप्रेशन की एक लेडी का एक स्टडी आपको बता रहा हूं। एक यंग कपल मेरे पास में आया, शादी होके एक साल हुए, लड़की करीब करीब 21 साल की है, लड़का इंजीनियर है और वो गवर्नमेंट जॉब है, उसको सरकारी नौकरी करता है। ये लड़की बीएससी पढ़ी है और बीएससी पढ़ के यहाँ शादी इसकी हुई है। घर के लोग अच्छे हैं, काम करने की जरूरत नहीं है, इस लोगों ने पहले बोल के रखा हुआ है कि हमारे घर में कोई लेडी काम नहीं करती है और बस अच्छे घर में की हुई तो प्रॉब्लम ही नहीं, सवाल ही नहीं। मगर हुआ क्या है कि यहाँ आने के बाद में जैसा घर से मतलब पेरेंट्स से माँ बाप से यहाँ आ गई हस्बैंड की तरफ, साल हो गया अब यहाँ उसको मतलब समझिए ना क्या करना क्या। पहले ऐसा बिजी लाइफ था, जैसा पढ़ाई वढ़ाई चालू थी, घूमना फिरना, अब यहाँ आने के बाद में काफी बंधन आ गए और फिर घूमना नहीं फिरना नहीं, हस्बैंड लेट आएगा 7 बजे 8 बजे रात को घर में आएगा, बाद में थक जाएगा, बोले अभी मैं बस आराम करता हूँ। उसको दिन भर करना क्या ये प्रॉब्लम आता था, टीवी देखना तो कितना टीवी देखना, मोबाइल में व्हाट्सएप करना कितना करना व्हाट्सएप, उसको ऐसा लगा था कि अपना एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। अपन इतने पढ़े लिखे हैं तो एक बुटीक डालने का है या कोई मतलब बच्चों को पढ़ाने का उसको ऐसा मन करता है या मतलब ना टाइम पास होना चाहिए भाई, वो भी उसको कुछ टाइम ही पास नहीं हो रहा है, दिन भर बैठे है और कुछ तो भी टाइम पास कर रहे। धीरे 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 उसका मन उड़ने लगा। वो बोल रही कि नहीं एक बच्चा तो भी होने दो, आदमी बोलता है उसका हस्बैंड कि नहीं बच्चा अभी नहीं, अभी अपने तो मैं उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों भी अभी ज़रा एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बोले कहाँ घूम रहे, अब तो सिर्फ ऑफिस में जाते हो, घर में आते नहीं हो, रात को आते कहाँ, घूमना भी नहीं फिरना भी, बच्चा तो होने कम से कम, तो बच्चा भी नहीं होने दे रहे हो और ये घर में अकेली बैठी हुई। आज कितनी सारी लड़कियाँ ऐसी होंगी कि जिनके हस्बैंड घर के बाहर जाते हैं, रात को लेट आते हैं घर में, बाकी और कोई नहीं है, दिन भर अकेले बैठी रहती है और धीरे धीरे विचार करते 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 टीवी का कुछ शो देखते, टीवी में कुछ चले चालू रहता है उसका असर होते रहता है और एक तो उनको डिप्रेशन हो जाता है या फिर उनको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया भी हो जाता है। क्योंकि डिप्रेशन में अकेला अकेला बैठना, मायूसी, कुछ काम में मन नहीं लगना, फिर शादी करके आई क्यों, उसको ऐसा लगता था कि मैं शादी करके आई यहाँ क्यों, मैंने शादी नहीं करना था, मेरी पढ़ाई का कुछ फायदा नहीं हो रहा है, और छोटी छोटी बात के ऊपर फिर रोना आता। फिर हस्बैंड को बार बार व्हाट्सएप कर रही या फोन कर रही ऑफिस में, जल्दी आओ क्या कर रहे हैं, मेरे से थोड़ी बात करो, अभी ओवरऑल मुझे काम करने को की तरफ से बात करो, मतलब काम तो करने दो, तो वो काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब कर रही है, उसको समझा नहीं, वो उसके ऊपर चिढ़ रहा है कि बार बार फोन मत कर, बार बार व्हाट्सएप मत कर, उसे काम करने दे ऑफिस में, और इसको लग रहा है कि मैं घर बैठे बैठे भी दिन भर करूँ क्या, और उसको धीरे धीरे डिप्रेशन आना चालू हो गया, नर्वसनेस, उदासीनता, छोटी बात के ऊपर रोना आना, फिर ऐसा कि मेरा फायदा ही नहीं है कुछ, मैं जीके भी करूँ क्या, होपलेसनेस, वर्कलेसनेस, मतलब ऐसा हो गया कि पूरा डिप्रेशन का पिक्चर सामने खड़ा हो गया। फिर हस्बैंड घर में आने के बाद में वो कुछ डिमांड नहीं रहती थी, इरिटेबल हो जाती थी, कोई डिमांड करती थी उसको इरिटेट करती थी और डिमांड उसकी पूरी नहीं किया, फिर रोना। उसको सवेरे सवेरे थोड़ा सा अच्छा लगता था कि थोड़ा सा सवेरे अच्छा है, फिर जैसा जैसा दिन जा रहा है वैसा वैसा उसको ज़्यादा ज़्यादा डिप्रेशन आते रहता था, ज़्यादा चिड़चिड़ापन, ज़्यादा इरिटेबिलिटी और अकेलापन महसूस होना, वही उसका ज़्यादा हो जाता। जैसे वो मायके चली गई अपने पेरेंट्स के यहाँ, उसको ज़्यादा अच्छा लगता था कि चलो मैं वहाँ जाने के बाद में लोगों से बातचीत करते हैं, घूमते फिरते, उसको अच्छा लगता था। फिर वो बोलता ठीक है तू मायके चली जा वहाँ रहे, और वहाँ कितने दिन रहेंगे। अल्टीमेटली उनका मैंने काउंसिलिंग किया, काउंसिलिंग में काफ़ी सारी बातें सामने आई जिसका मतलब ताल्लुक ये डिप्रेशन से था कि भाई वो लड़की बोल रही थी कि मेरे पिताजी ने मुझे जैसा चाहिए ये वैसा मतलब एजुकेशन लेने नहीं दिया, मुझे तो और पढ़ना था, उन्होंने बोला नहीं अभी मत पढ़ो तेरी शादी कर देंगे। फिर बचपन में वो बहुत डांटते थे, बहुत गुस्सा करते थे, छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा करते थे। एक बार तो बोले उन्होंने मेरे को बहुत मारा था, तो उसको तब से ऐसा हो गया कि नहीं मैं इतनी
मतलब वर्थ इतनी वर्थ नहीं मेरी, या वर्थलेस हूँ, मेरे कोई कीमत नहीं है, मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी गलतियाँ बहुत हो जाती है और इसलिए उन्होंने मुझे मारा। तो उसके दिमाग में वो एक बिड़ी बैठा हुआ था कि मैं छोटी हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है और मैं कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि मेरे घर पर बैठ पढ़ाई मत कर, ऐसा एक दिमाग में बिलीफ बैठा हुआ था और वो बिलीफ लेके ही वो बढ़ रही थी। तो काउंसिलिंग किया, उसको प्रेजेंट करवा दिया कि ये सब आपके दिमाग में आने वाले जो विचार है उससे एक बिलीफ तैयार हुआ है कि मैं छोटी हूँ, मुझे इतना आता नहीं है, मेरा तो आत्मविश्वास ही नहीं है, मुझे आत्मविश्वास नहीं है, मैं लोगों से मिल नहीं सकती हूँ, क्योंकि पिताजी ने उसको जितना जितना उसको प्रोटेक्टेड ज्यादा रखा उतना उतना उसका आत्मविश्वास कम कम हो गया। और फिर बाद में शादी हो गई, शादी होने के बाद में यहाँ दोनों रह रहे और फिर तो भी टाइम पैसा पास करना मालूम ही नहीं, सब बचपन के विचार दिमाग में आए। उनको दो तीन सीटिंग दिया, तीन सीटिंग के बाद में उनको उसको ऐसा मालूम पड़ा कि ठीक है मैं वर्थलेस हूँ, मैं होपलेस हूँ, या मेरा कोई अभी होप नहीं है कि मैं ऐसे ही कैसे करती रहूँगी, बच्चा होने तक राह देखना पड़ेगा, बच्चा होने के बाद में मैं कैसा करूँगी, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, ऐसा ये सब दिमाग के आने वाले विचार है, ये मूड्स है और ये डिप्रेशन आपको हुआ है। हो सकता है कि ये डिप्रेशन में जैसा सेरोटोनिन जो केमिकल है, हो सकता है ये दिमाग में आपके कम हो गया विचार विचार स्ट्रेस स्ट्रेस करके, ना स्ट्रेस से। तो उसके लिए मैं उनको बोला मैं थोड़ी दवाई देता हूँ आपको, थोड़ी दवाई ले लो। और फिर काउंसलिंग में उनको जब मैंने बुलाया तो काउंसलिंग में काफ़ी सारी बातें सामने आई, मानसोपचार किया और उसको ये धीरे धीरे मालूम पड़ा कि मैं ऐसा नहीं इतना वर्थलेस हूँ, मैं कर सकती हूँ। फिर उसने आखिर तय कर लिया कि ठीक है अभी मैं घर बैठे बैठे MPSC की तैयारी करूँ और कुछ ना कुछ बड़ी एग्जाम देके पास कर सकती हूँ मैं, ऐसा उसको लगा। अक्कर हुआ उसका ऐसा कि नहीं मैं ऐसा कर सकती हूँ। और उसने फिर जैसी वो सीटिंग्स हुए 15-20 दिन के बाद में फिर मेरे पास में आए, तो कि नहीं अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो दवा से भी आप ने जो दवा दी उससे भी मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है और मैंने भी MPSC की पढ़ाई करी और उससे भी बहुत अच्छा लग रहा है। कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसे डिप्रेशन के काफ़ी सारे लोग होंगे, डिप्रेशन जिनको आया हुआ है कि जिनको वातावरण का प्रभाव है और उसकी वजह से उनको डिप्रेशन आया, वो कोपअप नहीं कर पाते वातावरण। तो वातावरण का कोपअप नहीं होना मतलब है तो अपने लिए कुछ तरीके भी, मगर वो कोपअप नहीं कर पा रहे तो इसलिए उनकी काउंसलिंग करना, उनका उपचार करना, मानसोपचार करना, उनको हिप्नोथेरेपी देना, हिप्नोसिस करना, सेल्फ हिप्नोसिस और काम बड़ा जो दवाई देना, जब यदि उनका करते हैं तो डिप्रेशन के काफी सारे लोग जो है वो अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकेंगे। इसका ज्यादा होता क्या प्रभाव कि लोग कभी कभी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन हो गए तो कभी लोग खुदकुशी भी कर लेते, सुसाइड कर लेते और फिर बाद में और ज्यादा नए प्रॉब्लम तैयार हो जाते। तो आपके ऐसे बहुत परिचित लोग होंगे कि जिनको ऐसा मूड स्विंग्स होते हैं, ऊपर नीचे मूड होते रहता है, कभी कभी बहुत डिप्रेस लगता है, वातावरण में ऐसी कुछ घटना है कि जैसा बिजनेस में लॉस हुआ, नई नई शादी हो गई और जैसा भी मैंने एक केस स्टडी आपको दिया कि भाई बाहर नहीं जा पा रहे, घर में रह रहे, अकेले अकेले रह रहे, या किससे अनबन हो गई, झंझट हो गई, कोर्ट केस चालू है, धंधा कम हो रहा है, मार्केट में कॉम्पिटिशन हो गई, इनकम कम हो गया है, मियाँ बीबी की अनबन हो रही है, बच्चा अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहा है, बच्चा फेल हो गया है, या बच्चे को ऐसी कोई बीमारी है, अपने को खुद को ऐसी कोई बीमारी हुई है कि जिसकी वजह से दिमाग के ऊपर लोड आ रहा है, काफ़ी सारी ऐसी बातें होंगी कि जीवन जीने के समय अपने को ऐसा वो मतलब ऐसा लगता है कि वो तकलीफ देह बातें हैं या उसकी वजह से डिप्रेशन हमको आता है। तो ये यदि हम किससे बात करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने मन की बात किसको बताते हैं, शेयर करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, हिप्नोथेरेपी करते हैं, तो ये डिप्रेशन जो आया हुआ है वो निकल जा सकता है और आदमी या वो व्यक्ति अच्छा जीवन, खुशी का जीवन जी सकता है। तो ऐसे आपके आसपास काफी लोग होंगे जिनको ऐसे प्रॉब्लम होंगे, उनको जरूर वीडियो शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक ग्रुप के ऊपर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।